नमस्कार, मैं हूं दिवांजी मोइत्रा। देश के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। वो समाज से जुड़े हर मुद्दों पर जहां अपनी राय रखते हैं, तो वहीं उनका ट्विटर अकाउंट भी ऐसे ऐसे वीडियो, फोटोज और पोस्ट से भरे रहते हैं जो मजेदार होने के साथ साथ लोगों को प्रेरित करने वाले भी होते हैं। इतना ही नहीं, महिंद्रा ट्विटर के जरिए ही लोगों की मदद करने के लिए भी मशहूर है। अपने बिजी शेड्यूल से सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालने वाले आनंद महिंद्रा ट्विटर के जरिए ही लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के पोस्ट्स करते हैं। इस बार उन्होंने अपने 83 लाख फैंस के साथ एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। आपने इंसानों को कपड़े पहनते तो देखा होगा, सूट बूट टाई पहनते देखा होगा, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है कि किसी हाथी को पैंट और शर्ट पहना दी गई। आमतौर पर किसी हाथी के नाप का कपड़ा सिलवाना और सिलना मालिक और टेलर दोनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने जिस हाथी की तस्वीर शेयर की, उसमें हाथी को जिस तरह से पैंट शर्ट पहनाकर एक महावत ले जा रहा है, उसे देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। इस तस्वीर के बारे में आनंद महिंद्रा ने क्या कहा है, आइए पहले ये देख लेते हैं। आनंद महिंद्रा ने दरअसल पैंट शर्ट पहने हाथी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, इनक्रेडिबल इंडिया एलिफेंट, यानी अतुल्य भारत एलिफेंट। महिंद्रा ने अपने ट्वीट में एलिफेंट की जगह एलिफेंट, दरअसल हाथी की पैंट को ही देखकर लिखा। एलिफेंट यानी एली मतलब हाथी और पैंट मतलब पैंट यानी हाथी की पैंट। आनंद महिंद्रा ने जब से ये अतुल्य भारत की तस्वीर शेयर की, इसे अब तक 28,000 से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि हजारों कमेंट्स भी आ रहे हैं। सनी नाम के एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर लिखा, ये नजारा तमिलनाडु का होना चाहिए क्योंकि तस्वीर के बैकग्राउंड में तमिल शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं। सोनम चौहान नाम के यूजर ने पूछा, वो तो सब ठीक है पर दर्जी ने नाप कैसे लिया होगा। विवेकानंद नाम के यूजर ने बताया कि उनके नेटिव टाउन तिरुचिरापल्ली की। रंजन कुमार नाम के यूजर ने तो तंज मारते हुए लिखा, मुझे लगता है पैंट शर्ट और हेयर बैंड सब्यसाची मुखर्जी के फैशन आउटलेट से आया। एक यूजर ने लिखा, हाथी की पैंट में तो जेब भी है, इसमें क्या रखेगा वो, मैं उससे पूछना चाहती हूँ आप बटुआ रखते हो। इस तरह के फनी कमेंट्स के बीच कुछ लोगों ने इस तस्वीर पर नाराजगी भी जताई। एक यूजर ने तो कह दिया कि ये फनी नहीं बहुत दुखद है, हमने अपने मनोरंजन के लिए इस खूबसूरत उच्च बुद्धिमान प्राणी की गरिमा को कम कर दिया। आनंद महिंद्रा ने जब से कपड़े पहने हाथी वाली तस्वीर शेयर की, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं तो कुछ लोग फनी कमेंट्स कर रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच आपको बता दें, आनंद महिंद्रा ने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप वंडर बॉक्स नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ। इस ग्रुप में इसी तरह की मजेदार तस्वीरें और वीडियोस आती रहती जिसे वो ट्विटर पर शेयर करते। इस बार उन्हें यह हाथी वाली तस्वीर मिली जिसे उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया। ये तस्वीर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बताई जा रही। आपको बता दें, दक्षिण के इस राज्य में हाथी काफी संख्या में पाए जाते हैं। मीडिया में तमिलनाडु के हाथी से जुड़ी खबरें अक्सर आती रहती। कभी कभी तो ये हाथी गांव में भी घुस जाते हैं, तो कभी रेलवे ट्रैक पर भी चहलकदमी करते दिख जाते। हाथियों की दर्दनाक हत्याओं की भी खबरें आती। पिछले साल ही एक भूखी गर्भवती हथनी को कुछ शरारती तत्वों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था और वो पटाखे उसके पेट में फट गए थे, जिसकी वजह से पानी में ही खड़े खड़े उस हथनी ने दम तोड़ दिया था।